गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने चैप्टर 7 पढ़ा था, जिसका क्या नेम था? जिसका नेम था सर्वनाम। क्या नेम था? सर्वनाम। आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। ओके, तो आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। सही विकल्प पर क्या लगाना है? सही का निशान लगाना है। ओके, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? छोटों के लिए सदैव सर्वनाम शब्द प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? जो हमसे छोटे होते हैं उनके लिए कौन सा सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? तुम। और आप किसके लिए करते हैं? बड़ों के लिए। तो छोटों के लिए किसका यूज किया जाता है? तुम्हें। अगला क्या है? दूसरों के लिए पास होने पर प्रयोग किया जाता है। दूसरों के लिए पास होने पर प्रयोग किया जाता है यह है। क्या किसका किया जाता है? यह है। सुनने वालों के लिए प्रयोग किया जाता है। सुनने वालों के लिए प्रयोग किया जाता है तुम्हें, आपने या ये दोनों। किसका किया जाता है? ये दोनों। सुमेल कीजिए। मैं, मुझे, आप, मैं, मुझे, मैं, आप, आपको, हमें, तुम्हें, वह, उसे। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? कोष्टक से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। कोष्टक से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। मैं, हम पढ़ रही हूँ। मैं पढ़ रही हूँ, तो क्या आएगा इसमें? मैं पढ़ रही हूँ। अगला क्या है? आया, हम आया, कौन आया, तो इसमें क्या आएगा? कौन, कौन आया? मुझे पुस्तक दी, उसने मुझे पुस्तक दी, मुझे, उसने। क्या आएगा इसमें? उसने मुझे पुस्तक दी, उसने मुझे पुस्तक दी। अगला क्या? वह खाना खा रहा है। वह खाना खा रहा है। क्या कर रहे हैं आप? आप क्या कर रहे हैं? ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्दों के नीचे रेखा खींचिए। क्या खींचनी है? जो सर्वनाम शब्द है उसके नीचे रेखा खींचनी है। अजय तुम्हारा भाई है, तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? तुम्हारा। क्या है? तुम्हारा। अगला क्या है? मुझे पाठ याद करना है, तो ये क्या है? मुझे। वह सो रही है, तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? वह। मैं आज बहुत खुश हूँ, तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? मैं। हम आज मेला देखने जाएंगे, इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? हम। अगला क्या है? उसे भोजन दे दो,
उसे भोजन दे दो। तो इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? उसे। तो आपको क्या करना है, जो सर्वनाम शब्द है उस पे रेखा खींचनी है। क्या करनी है? रेखा खींचनी है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, यह वह ये तथा वे का उचित प्रयोग करके वाक्य पूरे कीजिए। क्या करने हैं? वाक्य पूरे करने हैं। ये बच्चे पढ़ रहे हैं, मेज टूटी है, मेज टूटी है, यह मेज टूटी है, यह मेज टूटी है। अगला क्या है, डॉक्टर है, डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, मेरा घर है, वे मेरा घर है, वे मेरा घर है। वे मेरा घर है। ये बच्चे पढ़ रहे हैं, यह मेज टूटी है, ये डॉक्टर है, वे मेरा घर है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे माता पिता है, वे मेरे भाई हैं, वे मेरे भाई हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन आंसरों को अपनी नोटबुक में अच्छे से राइट करना है और इनको अच्छे से लर्न करना है। क्या करना है, इनको अच्छे से लर्न करना है। ओके ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, कल हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। ओके ओके, थैंक यू बच्चों।